बड़ा तेवर, ओच का वो बड़ा स्वर, जिसे मैं भी खुद काफ़ी दिनों बाद सुनूंगा। मैं चाहता हूं कि कवि सम्मेलन में, जिसको हमने आखिरी में बिल्कुल बचा के रखा था एक कीमती मोती की तरह, बस आपकी एक बार जोरदार तालियां उठ जाएं। हम लोग कवि सम्मेलन के अंतिम दौर में हैं। दुष्यंत शुक्ला सिंह नादी आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। राजनेता को पसंद होती चाटुकारिता है, पल 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 में बदलते हैं पालियां। वाह, ये जो कहने आए थे मैं इनका आशय समझ गया। बिना किसी भूमिका के मैं सीधे सीधे कविता पढ़ता हूँ, क्योंकि अब समय भी वही बचा है। कि राजनेता को पसंद होती चाटुकारिता है, पल 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 में बदलते हैं पालियां। और दारूबाजों को तो होती है सुरा पसंद, पल 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 ढूंढा करते हैं नालियां। वाह, कि कहते हैं सिंहनादी तंत्र की व्यवस्था में सबको पसंद लोकतंत्र की प्रणालियां। और जीजा जी को सालियां, दरोगा जी को गालियां, और कवि को पसंद वैसे होती मित्र तालियां। वाह 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 दादा, क्या बात है, वाह। जितना तालियों का महोत्सव कर दोगे, हालांकि अब तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है, कवियों ने बहुत कुछ पढ़ा है। ये पत्रकारों के द्वारा आहूत कवि सम्मेलन है, इसमें हम सब कवियों को बुलाया गया है, और पत्रकार और कवि ये दोनों मौसेरे भाई हैं। ये मौसेरे भाई हैं, ये भी समाज की विसंगतियों को प्रकाशित करते हैं, समाज के सामने रखते हैं। कभी भी राष्ट्रीय विसंगतियों को, सामाजिक विसंगतियों को, तमाम विसंगतियों को वो भी परोसता है। लेकिन फर्क साहब एक होता है कि पत्रकार जो कुछ लिखता है वो अगले दिन बासी हो जाता है, लेकिन कवि जो कुछ लिखता है वो शाश्वत हो जाता है। वाह, बहुत अच्छे। केवल अंतर इतना है, और भाई प्रेम शंकर त्रिपाठी जी ने मुझे बुलाया है, जितनी दूर की यात्रा सुंदरानी भाई तय करके आए हैं उससे 100 किलोमीटर की ज्यादा यात्रा तय करके मैं आया हूँ। वाह, और मुझे इन्होंने बचा के रखा है, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मतलब भर को श्रोता है, अभी धारा 370 पे भी बहुत कुछ कहा गया। व्याख्या जी एक गीत लिखा था उस जमाने में, जब धारा 370 है तो हास्य में, लेकिन इसके बाद मैं ओज भी पढ़ूंगा, और आखिरी कवि हूं साहब, हमारे लिए कोई समय बंधन नहीं है। अब हमारे पास सुंदरानी जी बच्चे हैं, केवल 250 ग्राम भर का काव्य पाठ आपके पास है, 1 किलो का हमारे पास। ये बढ़िया है, तो इसलिए जो है कोई समय का बाउंड नहीं है। मैं अध्यक्षीय काव्य पाठ कर रहा हूं, हालांकि अध्यक्ष मुझे नहीं बनाया, ये कृपा की विशेष कृपा रही। सुनिएगा, ट्रेन कै बजे है? कै बजे साहब? 11 बजे, और अभी बजा है, अरे अभी है समय है, और अगर ट्रेन निकल भी जाएगी तो क्या करना, यहीं रुक जाएंगे और क्या, सुबह निकला जाएगा। लेकिन कविता जरूर सुनाऊंगा साहब, क्योंकि बड़े धैर्य के साथ मैंने सब कवियों को सुना है, छाती पर पत्थर रख करके सुना है, दो पौड़ी के पाकिस्तान पे मैं कविताएं नहीं लिखता। सही है, वो हमारी नाजायज औलाद है। तालियां झोंको झोंको, और हल्के में ना लो, बिल्कुल हम भी टाप के कवि हैं। बिल्कुल, दो महाकाव्य लिख चुके, एक खंड काव्य लिख चुके, तो टाप के कवि हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हल्के में ले लो। सुनो व्याख्या जी, सही है, सही आप हमें यहाँ लाई हैं, और 370 पे बहुत बात हुई, एक गीत पढ़ना चाहता हूँ 370 पे, और काफिया, आप एक शब्द आपने कहा था काफिया, अमित शुक्ला सुनना, काफिया, काफिया पे ध्यान देना, एक बार तालियां बजा दो यार। बिल्कुल, शमशान घाट पे नमाज पढ़ने की आदत नहीं है हमारी भी। बिल्कुल, कि कीमत में कौड़ी का पहाड़ा हो गया, कीमत में कौड़ी का पहाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया। कि कीमत में कौड़ी का पहाड़ा हो गया, कीमत में कौड़ी का पहाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया।
थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया, समझ रहा था कश्मीर मेरा है, समझ रहा था कश्मीर मेरा है, अलगाववादियों का जहां डेरा है। आए दिन पत्थरबाजी कराएंगे, आए दिन पत्थरबाजी कराएंगे, नई नई घटना ताजी कराएंगे। ऐसा किया शाह ने कबाड़ा हो गया, ऐसा किया शाह ने कबाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया। सच कहा जाएगा। विख्यात कविता पढ़ रहा था तो कुछ लोगों ने आपत्ति की थी, और साहब कभी मैं तो किसी भी राजनीतिक दल के दो कौड़ी का भी मेंबर नहीं हूं, अपने आप पर कविता लिख सकता हूं और जरूरत पड़ेगी तो अपने बाप पर भी कविता लिख सकता हूं। अगर कभी और पत्रकार सच नहीं लिखेगा तो इस देश में आपको सच कौन बतावेगा? सच बताने वाली कोई दूसरी एजेंसी नहीं है साहब, केवल कभी आपको सच बताता है। एक बार तालियां बजाओ, अगला बंद पढ़ता हूं। बहुत सही, बहुत सही। इससे लाभ क्या हुआ? आ जाओ भैया, आया हूँ तो पूरे पेमेंट का हक अदा करके जाऊंगा। ऐसे थोड़ा कि चला जाऊं त्रिपाठी जी से हाँ हेलो करके। अब आया हूं तो बताए तो हम भी टाप के कवि हैं। सुनना, इससे लाभ क्या हुआ साहब? कि राष्ट्रभक्तों की नबीन गोल सज गई। 370 हटने से क्या लाभ मिला? कि राष्ट्रभक्तों की नबीन गोल सज गई, महबूबा मुफ्ती की ढोल बज गई, महबूबा मुफ्ती की ढोल बज गई। दो निशान और दो विधान खो गए, दो निशान और दो विधान खो गए, वाह कश्मीर वासी भारतीय हो गए, कश्मीर वासी भारतीय हो गए। बंदवा आतंक का किवाड़ा हो गया, बंदवा आतंक का किवाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया। 370 का नाश हो गया। अरे बड़ी उपलब्धि है भाई साहब, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ये कैंसर था हमारे देश के ऊपर, इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है, और इसको डंके की चोप पे कहा जाएगा, और कभी नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? एक बार तालियां बजाओ, अगला बंद हाजिर करता हूं। 370 का नाश हो गया, भारत वखंड है विश्वास हो गया, लाल चौक पे तिरंगा फहरा उठा, राष्ट्र प्रेम और भी है गहरा उठा, रंग देश भक्ति का है गाढ़ा हो गया, रंग देश भक्ति का है गाढ़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया। 56 इंच छाती ने कमाल कर दिया। इससे पहले और भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन किसी का साहस नहीं हुआ। अब जिसका साहस हुआ उसको तो कहा जाएगा, अब कोई बुरा माने तो माने बुरा, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है इस बात को कि 56 इंच छाती ने कमाल कर दिया, पूरे पाकियों को फटे हाल कर दिया। इमरान खान की है नानी मर गई, तौबा तौबा हाय रे कहानी मर गई, तौबा तौबा हाय रे कहानी मर गई। पाकिस्तान सुअरों का बाड़ा हो गया। यहाँ ताली बजती है। हे भगवान, हे भगवान। कि पाकिस्तान मुर्गों का बाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया। और इससे एक विशेष लाभ हुआ, वो दो बंद में सुनिएगा। कि केसर व सेब की सुगंध आएगी, केसर व सेब की सुगंध आएगी, यूपी में भी कश्मीरी बहू आएगी। वाह 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 वाह, खुल गए द्वार भैया, वाह खुल गए द्वार। कि केसर व सेब की सुगंध आएगी, यूपी में भी कश्मीरी बहू आएगी, घाटी वाले पंडितों के घर बसेंगे, यहाँ से वहाँ पे नारी नर बसेंगे,
पाकिस्तान फूटा हा नगाड़ा हो गया, पाकिस्तान फूटा हा नगाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुँह सिंघाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुँह सिंघाड़ा हो गया। बहुत बढ़िया। और एक अंतिम बंद पढ़ता हूँ। स्वागत। सुनना स्वागत। कि फारूक की टोपी और पट्टा खो गया, वो टोपी लगाता है और एक पट्टा बांधता है शेरवानी पहन के, आपने देखा होगा, और बड़े गर्व से निकलता था सीना चौड़ा करके और भारत विरोधी बयान देता था, ये किससे छुपा है सुनिएगा। कि फारूक की टोपी और पट्टा खो गया, महबूबा जान का दुपट्टा खो गया, कि फारूक की टोपी और पट्टा खो गया, महबूबा जान का दुपट्टा खो गया, बाबा बरुफानी जी का, बाबा बरुफानी जी का राज हो गया, बाबा बरुफानी जी का राज हो गया, भटकलू गिलानी का इलाज हो गया, भटकलू गिलानी का इलाज हो गया। और इस बंद पर एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए, दो पंक्तियां। स्वागत। उमर मियां को जैसे झाड़ा हो गया, उमर मियां को जैसे झाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुँह सिंघाड़ा हो गया। शब्द ला।